हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, जब भी जेंडर प्रिडिक्ट करना यानी कि लक्षणों से लड़का या लड़की है पता लगाने की बात आती है, तो सबसे पहले बात आती है हमारी दादी नानियों की। दादी नानियों की बताई हुई लक्षणों की बात आती है। दोस्तों, दादी नानी जो होते हैं वो पहले से ही जेंडर प्रिडिक्ट करते आए हुए, तो उन लोगों को ये सारे लक्षणों में, इन सारे मामलों में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा उनको पता रहता है। तो वो लोग जो भी लक्षण आपको बताते हैं, जो भी लक्षण सिम्टम आपको बताते हैं, वो बहुत हद तक सच साबित होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले दादी के अनुसार ऐसे तीन बड़े लक्षणों के बारे में, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। दोस्तों, ये मुझे एक दादी ने बताया था जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब भी की बात है। तो उन्होंने मेरे साथ ये सिम्टम शेयर किया था, मुझ में ये सिम्टम दिखाई दिया था, इसके लिए उन्होंने मुझे ये सिम्टम बताए थे। तो उन्होंने मुझे जो सिम्टम बताए थे वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले से तीन अंगों के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से काले पड़ जाते हैं लड़का या लड़की होने पर। दोस्तों, दादी ने मुझे बताया था कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से निप्पल का कलर काला हो जाता है तो ये लड़का होने का लक्षण होता है। दोस्तों, मेरी प्रेगनेंसी में मेरे निप्पल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हो गया था, दाहिने साइड वाला बहुत ज़्यादा काला हो गया था, तो मुझ में ये सच साबित हुआ था। दूसरा जो लक्षण है दोस्तों, वो है नाभि। मुझे बताया था, नाभि को देख के उन्होंने मुझे बताया था कि लड़का होने वाला है मुझे, क्योंकि मेरा जो नाभि है बहुत ज़्यादा काला हो गया था। दोस्तों, तीसरा जो उन्होंने मुझे बताया था वो मेरे चेहरे को देख के। दोस्तों, जो मेरा चेहरा है वो प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी डल और काफ़ी काला पड़ गया था, तो उन्होंने मुझे तब भी ये बताया था कि मेरा एक बेबी बॉय होने वाला है। तो दोस्तों, ये मेरा सच साबित हुआ, मेरा एक लड़का हुआ। तो दादी ने जो लक्षण मुझे बताए थे, तीन सिम्टम बताए, तो मुझ में पॉजिटिव साबित हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना वो आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।